केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना, इसमें जहां डार्क जोन एरियाज हैं, 36 ब्लॉक हरियाणा के ऐसे हैं, इनमें भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए 712 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से मंजूर हुए हैं, जिसकी 150 करोड़ की योजनाएं ये तुरंत लागू कर दी गई हैं, बाकी आगे की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी जो पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में वो 8वीं कक्षा तक दी जाती थी, अब 9वीं से 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को भी मुफ्त में दिया जाएगा, ये भी निर्णय कर लिया है। इसी प्रकार केंद्र की जो योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। एक प्रदेश में हमने जो काम, शायद देश भर में हरियाणा ही पहला प्रदेश होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा की व्यवस्था होती थी अंग्रेज़ के समय, यानी अंग्रेज़ों से हम भले मुक्ति पा चुके हैं, आज़ादी मिल गई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ के समय की अभी भी चलती आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा जो है वो अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका होना ये अनिवार्य नहीं था। हमने लाल डोरा की सीमा को समाप्त करके सभी ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको और रेवेन्यू में डिपार्टमेंट ला करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना और गांव के जो लोग हैं उनको मालिक बनाना, यानी पहली बार की रजिस्ट्री है वो गांव के जो पंचायत है, पंचायत की ओर से उन किसानों को मालिकाना हक दिया जाएगा और रजिस्ट्रियाँ करा देंगे। इसका सिरसी गांव से हमने प्रारंभ कर दिया, सिरसी गांव पूरे का पूरा ये लाल डोरा मुक्त हो गया है, वहाँ के लोगों को मालिकाना हक उनकी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का दिया गया है। इस योजना को हम सारे प्रदेश में आगे इसका विस्तार करने वाले हैं। किसानों और मजदूरों के लिए सस्ता खाना 10 रुपए की थाली, इसका भी हमने शुरू किया है अनाज मंडियों में और सब्जी मंडियों में और चीनी मिलों में, किसानों की चीनी मिलों में, ऐसे 25 जगह पर ये शुरू करने की बात अभी है। अभी प्रारंभ 2 स्थानों पर हो गया है, बाकी स्थानों पर अब इसको प्रारंभ करने वाले हैं। ये अभी 27 दिसंबर 2019 को पहली किसान मजदूर कैंटीन, गरीब मजदूरों के लिए पहले से ही सब शहरों में ये कैंटीन चलती थी, अभी किसानों के लिए उनके स्थानों पर भी की जा रही हैं। किलोमीटर स्कीम सामान्यतः हर प्रदेश में ये चलती रही है, हरियाणा एक प्रांत ऐसा था जिसमें किलोमीटर स्कीम लागू नहीं की थी, काफ़ी कुछ इसमें विवाद भी बने रहे, कोर्ट तक भी चीज़ चली गई और अंततः अब हरियाणा में पहली बार किलोमीटर स्कीम को लागू कर दिया है। 66 बसें शुरू हो गई हैं, 39 बसें अभी 2-4 दिन में आने वाली हैं और जो 510 बसों का पुराना जो विवाद था उसमें भी जो ऑफर उन लोगों ने दी है कि वो भी इसी स्कीम में आने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में काफ़ी बसें किलोमीटर स्कीम की वो हरियाणा सरकार के पास आ जाएंगी, ताकि बसों का बेड़ा ये हमारा और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार खनन क्षेत्र, यहाँ भी बहुत से जिसको कहना चाहिए इल्लीगल खनन की शिकायतें बहुत थी, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था हमने अब की है। तो ई रवाना स्कीम में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्था की गई है, ताकि गाड़ी के चलने पर जहाँ से खनन में से गाड़ी चलती है और जहाँ वो पहुँचती है उसके ऊपर उसकी नज़र रखी जा सके और ई बिलिंग भी उसके अंदर लागू की गई है, ताकि वहाँ किसी प्रकार की इलीगल माइनिंग इसको रोका जा सके और इसका बहुत लाभ हुआ है और हमें जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है खनन से, पिछले जनवरी के अकेले महीने में, यानी पिछले 9 महीने में लगभग 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था, जनवरी अकेले महीने में 85 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो एक इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने उसमें की है और बहुत से ऐसे इलीगल खनन को या ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने सख्ती की, लगभग 750 वाहन ये भी पकड़े गए हैं और पकड़ करके उनको अभी तो इम्पाउंड किया गया है, लेकिन उनको भी एक इस व्यवस्था से इन्हें ठीक करने के लिए हमने इस पर सख्ती से लागू किया है और मैं समझता हूँ आगे वो ओवरलोडिंग का काम बहुत कम लोग अब इसमें करेंगे, एक रोक इस पर लगी है। HTET की परीक्षा पहले 5 साल के लिए उसको लागू माना जाता था, इसको बढ़ा करके हमने 7 वर्ष कर दी है, ताकि उनको 2 वर्ष तक और भी उस परीक्षा में जो सफल हुए हैं उसका लाभ आगे मिल सके। HTET परीक्षा के परीक्षार्थियों को
न केवल एचटेट बल्कि अन्य परीक्षार्थी भी जो हैं उन सबको भी परीक्षा का जो स्थान है, परीक्षा का जो केंद्र है, उसको घर से 50 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत अंदर उसको दिया जाए, इसको भी हमने पहली अपनी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर पारित कर दिया था। और अब उसी अनुसार यदि परीक्षार्थी बहुत कम संख्या में हैं तब इस नियम पर शायद 50 के बजाय 100 किलोमीटर जाना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, ज़्यादा है, तो 50 किलोमीटर के अंदर ही उनके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। एक निर्णय हमने लिया है पर्वतारोहियों के लिए कि अब पर्वतारोही देश की क्या दुनिया की 10 बड़ी चोटियाँ उन पर कहीं पर भी जा कर के अगर उसको फतेह करते हैं तो उनको 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और शीर्ष ग्रेड का सी ग्रेड का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ये मिलेगा, ताकि उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग हो सके। इसी प्रकार अन्य हैं शहरी संपत्ति मालिकों को भी संपत्ति कर में 10% की जो एकमश छूट, जो एक साथ 31 जनवरी 2020 तक जिन्होंने ये राशि अपनी जमा कराई उनको हमने 10% की छूट दी थी और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसा अपना जमा कराया। मेडिकल के जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पहले तो मैंने बताया था अनुसूचित जाति के लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर लाभ मिला था, अब EWS में भी जो 10% का आरक्षण उनको भी ये दे दिया गया है। अनुसूचित जाति में जो अति वंचित वर्ग है उनको आरक्षण का लाभ अलग से मिलेगा 10% का, इसको भी हमने निर्णय पारित किया है। पहले एक ही वर्ग था, अब उसको अति वंचित को अलग कर दिया है, उसका 10% का लाभ उसको मिलेगा। इसी प्रकार और बहुत सी योजनाएं हैं, इनकी भी संख्या जिनका हमने विस्तार किया है, जिनको पहले की तुलना में और अधिक लाभ दिए हैं, ऐसी 24 योजनाएं हो रहे हैं जिनका लिखित में आपको ये सारा वृत्तांत ये दे दिया जाएगा। जनकल्याण की बहुत सी योजनाएं, जैसा पेंशन बढ़ाने की हमने बात की थी, तो हमने पहले वर्ष की किस्त में बहुत से वर्गों की जो पेंशन है वो 2000 से 2250 की है। जो भवन निर्माण के काम में लगे हुए जो मजदूरों की पेंशन पहले 2500 थी उसको 2750 किया है। इसी प्रकार स्कूल कॉलेज की जो छात्राएं हैं, पढ़ने वाली छात्राएं, उनको सुरक्षित परिवहन योजना ये दी जाए, इसका भी क्रियान्वयन इन 100 दिनों में किया है। दो प्रकार से वो लाभ दिए गए हैं, एक तो 81 रूटों के ऊपर बसें चलाई गई हैं जिन पर पर्याप्त संख्या में सुबह और शाम छात्राएं, उनको रिजर्व किया गया उन बसों को, केवल छात्राओं को वो लेकर के जाएंगी। और जो कम संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल में अथवा कॉलेज में जाती थी उनके लिए अलग से प्राइवेट साधन करके 2 किलोमीटर या इससे ऊपर की दूरी के जो उनके शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ भेजने के लिए भी उनको अलग से पर किलोमीटर पैसा उपलब्ध कराया जाता है। और हर स्कूल कॉलेज में ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है ताकि उस पैसे से उनकी एक सामूहिक व्यवस्था वो करवा करके दे, तो ऐसे छोटे वाहन भी उनके लिए करा के दिए गए हैं। इसमें अभी तक 14,000 छात्राओं को ये लाभ मिला है और इस पर 5.5 करोड़ रुपए का ये खर्च हो चुका है। और ये लगातार इसमें और भी जो सुविधाएं हैं ताकि छात्राओं को सुरक्षित अपने पढ़ने के स्थानों पर भेजा जा सके। कैंसर पीड़ित के जो रोगी हैं, कैंसर पीड़ित हैं, उनके राज्य परिवहन की बसों में उनको एक सहयोगी, इसको भी फ्री ट्रैवल की और ये छूट दी है। एचटेट की परीक्षा पहले 5 साल के लिए उसको लागू माना जाता था, इसको बढ़ा करके हमने 7 वर्ष कर दी है, ताकि उनको 2 वर्ष तक और भी उस परीक्षा में जो सफल हुए हैं उसका लाभ आगे मिल सके। एचटेट परीक्षा के परीक्षार्थियों को न केवल एचटेट बल्कि अन्य परीक्षार्थी भी जो हैं उन सबको भी परीक्षा का जो स्थान है, परीक्षा का जो केंद्र है, उसको घर से 50 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत अंदर उसको दिया जाए, इसको भी हमने पहली अपनी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर पारित कर दिया था। और अब उसी अनुसार यदि परीक्षार्थी बहुत कम संख्या में हैं तब इस नियम पर शायद 50 के बजाय 100 किलोमीटर जाना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, ज़्यादा है, तो 50 किलोमीटर के अंदर ही उनके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। एक निर्णय हमने लिया है पर्वतारोहियों के लिए कि अब पर्वतारोही देश की क्या दुनिया की 10 बड़ी चोटियाँ
उन पर कहीं पर भी जाकर के अगर उसको फतेह करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और सी ग्रेड का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ये मिलेगा, ताकि उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग हो सके। इसी प्रकार अन्य हैं, शहरी संपत्ति मालिकों को भी संपत्ति कर में 10% की जो एकमश छूट, जो एक साथ 31 जनवरी 2020 तक जिन्होंने ये राशि अपनी जमा कराई उनको हमने 10% की छूट दी थी और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसा अपना जमा कराया। मेडिकल के जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पहले तो मैंने बताया था अनुसूचित जाति के लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर लाभ मिला था, अब EWS में भी जो 10% का आरक्षण उनको भी ये दे दिया गया है। अनुसूचित जाति में जो अति वंचित वर्ग है उनको आरक्षण का लाभ अलग से मिलेगा 10% का, इसको भी हमने निर्णय पारित किया है। पहले एक ही वर्ग था, अब उसको अति वंचित को अलग कर दिया है, उसका 10% का लाभ उसको मिलेगा। इसी प्रकार और बहुत सी योजनाएं हैं, इनकी भी संख्या जिनका हमने विस्तार किया है, जिनको पहले की तुलना में और अधिक लाभ दिए हैं, ऐसी 24 योजनाएं हो रहे हैं जिनका लिखित में आपको ये सारा वृत्तांत ये दे दिया जाएगा। जनकल्याण की बहुत सी योजनाएं, जैसा पेंशन बढ़ाने की हमने बात की थी, तो हमने पहले वर्ष की किस्त में बहुत से वर्गों की जो पेंशन है वो 2000 से 2250 की है। जो भवन निर्माण के काम में लगे हुए जो मजदूरों की पेंशन पहले 2500 थी उसको 2750 किया है। इसी प्रकार स्कूल कॉलेज की जो छात्राएं हैं, पढ़ने वाली छात्राएं, उनको सुरक्षित परिवहन योजना ये दी जाए, इसका भी क्रियान्वयन इन 100 दिनों में किया है। 2 प्रकार से वो लाभ दिए गए हैं, एक तो 81 रूटों के ऊपर बसें चलाई गई हैं जिन पर पर्याप्त संख्या में सुबह और शाम छात्राएं, उनको रिजर्व किया गया उन बसों को, केवल छात्राओं को वो ले करके जाएंगी। और जो कम संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल में अथवा कॉलेज में जाती थी उनके लिए अलग से प्राइवेट साधन करके 2 किलोमीटर या इससे ऊपर की दूरी के जो उनके शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ भेजने के लिए भी उनको अलग से पर किलोमीटर पैसा उपलब्ध कराया जाता है। और हर स्कूल कॉलेज में ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है ताकि उस पैसे से उनकी एक सामूहिक व्यवस्था वो करवा करके दें, तो ऐसे छोटे वाहन भी उनके लिए करा के दिए गए हैं। इसमें अभी तक 14,000 छात्राओं को ये लाभ मिला है और इस पर 5.5 करोड़ रुपए का ये खर्च हो चुका है। और ये लगातार इसमें और भी जो सुविधाएं हैं ताकि छात्राओं को सुरक्षित अपने पढ़ने के स्थानों पर भेजा जा सके। कैंसर पीड़ित के जो रोगी हैं, कैंसर पीड़ित हैं, उनके राज्य परिवहन की बसों में उनको 1 सहयोगी, इसको भी फ्री ट्रैवल की और ये छूट दी है। जन कल्याण की और योजनाएं भी हैं, संख्या बड़ी है इसलिए। राजस्व में भी हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई है। इस 100 दिन की जो उल्लेखनीय वृद्धि है उसमें चाहे राज्य की GST है, GST इसी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में 27 अक्टूबर 2018 से 4 फरवरी 2019 ये पीरियड है 100 दिन का, उसके मुकाबले अब जो वर्तमान 100 दिन का पीरियड है उसके अंदर 22% की वृद्धि GST में हुई है। जो पहले 3,190 करोड़ थी अब 3,863 करोड़ है, 100 दिन में 22% की पिछले साल की अपेक्षा इस बार वृद्धि है। खनन में जैसे मैंने पहले बताया अकेले जनवरी में ही काफ़ी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई और पिछले 100 दिन में पिछले वर्ष 144 करोड़ रुपये था, इस वर्ष के 100 दिन में 185 करोड़ है, तो कुल 28% वृद्धि इसमें हुई है। स्टेट की एक्साइज इसमें भी कुल 7% की ये वृद्धि हुई है। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 1,010 करोड़ रुपया हमारे यहाँ राजस्व में ये वृद्धि हुई है। कानून व्यवस्था, इसे भी यदि हम कहें तो महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या, ये जब हमने पिछली बार 5 साल पहले सरकार संभाली थी तो मात्र 6% थी, पिछली बार लगभग 2000 पुलिस महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई थी और ये संख्या 10% हुई थी। आगामी हमने निर्णय लिया है कि ये संख्या 15% तक की जाए ताकि महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या ये बढ़ जाए, ये निर्णय भी हमने कर लिया है। ऐसे ही
100 दिन के अंदर पुलिस की जो प्रभावी पैरवी हुई है, इसमें बलात्कार और पॉक्सो तहत जो भी आरोपी थे उनको 85 आरोपियों को और अपराधी ठहराया गया है। उनमें से जो हमने कहा था कि इनकी सुविधाएं इनको रोकेंगे, सब डिपार्टमेंट्स को लिख दिया गया है। कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपनी सुविधाएं रोक दी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी उनके यानी खाद्य पदार्थों की और स्वास्थ्य की ये योजनाएं रोक कर बाकी सब योजनाओं का लाभ उनको लाभ वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। हर जिले में पुलिस थानों को एक मॉडर्न पुलिस थाना जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हों, और खास करके आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है इस ओर भी बढ़ने के लिए प्रारंभ किया जाएगा, ताकि आगे हर जिले में साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को भी सुनिश्चित किया जा सके। 5 नए पुलिस थाने खोलने की अंबाला रेंज में ये हमने स्वीकृति दी है, और भी इस प्रकार से कुछ नए प्रशासनिक जो इकाइयां हैं उसका भी हमने गठन किया है, कुछ विभाग भी बनाए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि परिवार पहचान पत्र का ये जो काम है ये नागरिक संसाधन सूचना विभाग अलग से विभाग गठित किया है, वो ये सब करेगा। इसी प्रकार विदेशी निवेश हमारे यहाँ आए या यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकें, विदेश के लोगों के साथ संबंध सीधे राज्य स्तर पर भी हम बढ़ा सकें, इसके लिए विदेश सहयोग विभाग ये हमने बनाया है। झज्जर नगर पालिका जिला केंद्रों में एकमात्र झज्जर जिला केंद्र ऐसा था जहाँ अभी तक नगर पालिका थी, इसको नगर परिषद का दर्जा दिया है। अब सभी 22 के 22 जिला केंद्र या तो नगर परिषद हैं अथवा नगर निगम हैं। इसी प्रकार जिला गुरुग्राम में बादशाहपुर का एक नया उपमंडल ये भी बनाया गया है। इस दौरान 100 दिनों में हमें वैसे तो पिछले कार्यकाल में 125 के आसपास अवार्ड मिले थे 5 साल में, इन 100 दिनों भी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की योजनाओं की देखते हुए विभिन्न विभागों ने विभिन्न विभागों के कामों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से अथवा कुछ संस्थाओं की ओर से जो हमको अवार्ड मिले हैं उसमें अंत्योदय सरल परियोजना अवार्ड, ऊर्जा क्षमता इस पर अवार्ड, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 प्रथम रैंक, और ई गवर्नेंस का हमको गोल्ड अवार्ड मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। ऐसे ही बिजली लागत घटाने में एक्सेलेंस इन कास्ट मैनेजमेंट का प्रथम पुरस्कार, सरसों के उत्पादन में कृषि क्रम पुरस्कार, पशुपालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पशु राज्य पुरस्कार, स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार में उत्तरी क्षेत्र में प्रथम, दिव्यांगजनों के लिए बेस्ट एक्सेसिबल वेबसाइट इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 3रा पुरस्कार। तो ऐसे कुल मिलाकर 8 नए पुरस्कार भी ये हमको मिले हैं। कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हम इन 100 दिनों में दिन रात जो योजनाएं हमारी पहले वाली थी उन पर भी हमने काम किया है, उनका विस्तार किया है, नई योजनाएं भी बनाई हैं, नए प्रोजेक्ट भी कुछ खड़े किए हैं, नए विभाग भी बनाए हैं, ताकि हम अपने जनहित के कार्यों को कैसे तेज़ गति से आगे बढ़ा सकें। हर विभाग, हर मंत्री और हमारे जो सारे अधिकारी सब मिल करके और इन सब कामों को गति दे रहे हैं। आज एक नई घोषणा भी मैं इस अवसर पर करना चाह रहा हूँ कि महापुरुषों के जीवन को और ठीक से समझा जाए, लोगों में उनकी शिक्षा का संस्कार मिले, तो उस नाते से एक योजना हमने ऐसी बनाई है जिसकी पहले घोषणा नहीं की है, वो आज मैं कर रहा हूँ। गुरु रविदास जी की स्मृति में गुरु रविदास धाम, इस नाते से कुरुक्षेत्र जिले में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि गुरु रविदास धाम का की वहाँ स्थापना कराई जा सके। समाज के लोगों के साथ मिल करके इस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर हम अपने 100 दिन के कार्यकाल के सारी उपलब्धियों को लेकर के एकदम संतुष्ट हैं, जनत्व हम कार्य कर रहे हैं, और ये हमने अपना एक बेस बनाया 100 दिन में, अगले समय में इसको और आगे तीव्र गति से बढ़ा करके, क्योंकि अभी तक ये जो काम हमारे हो रहे हैं पिछले बजट के आधार पर हो रहे हैं। अब चूंकि बजट का सेशन हमारा शुरू हो जाएगा, तो बजट सेशन में नई स्कीमों के बजट, नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बजट, वो सब तय किए जाएंगे, और अगले वर्ष से 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स इन कामों को नए बजट के आधार के ऊपर जो जनता की अपेक्षाएँ हैं
उनके ऊपर पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे। जो अदालतें हैं, जिला स्तर की जितनी भी अदालतें हैं, उन सब में हिंदी का प्रयोग, इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है और वो काम करना शुरू किया है। हाई कोर्ट में भी हिंदी का निर्णय, हिंदी का में काम हो, राज्यपाल महोदय को हमने पत्र लिखा है कि वो एक स्पर्श करें, क्योंकि ये राज्यपाल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है कि वो अगर अनुमति देंगे तो हाई कोर्ट भी इसमें हिंदी का, हिंदी में काम करा सकें। प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट को पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए अभी तक ग्रेजुएशन लेवल की जो मेडिकल एजुकेशन थी, MBBS लेवल तक, वहाँ तक रिजर्वेशन थी। अब हमने PG लेवल पर भी उसको रिजर्वेशन ये दी है। राजस्व विभाग की ओर से भी ये घोषणा की है कि राजस्व विभाग के जो काम हैं, लिटिगेशन बहुत पेंडिंग पड़ी है, तो एक उसमें गति आए। हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व विभाग के अधिकारी यानी SDM, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, ये सब पूरा दिन लोगों के केसेस की सुनवाई करेंगे। उस दिन कोई और सरकारी काम उनके जिम्मे नहीं लगाया जाएगा। बहुत सी जो नई योजनाएं हैं वो भी हमने शुरू की हैं, जिसके अंदर कुछ राष्ट्र केंद्र स्तर की जो योजनाएं हैं उनको भी प्रदेश में लागू करने के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जैसे जल जीवन मिशन, इसमें हर गाँव घर में पानी का कनेक्शन ये दिया जाए, और 2024 तक का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, लेकिन हमने इसको तय किया कि 2022 तक इसको पूरा करेंगे। अभी तक पानी के कनेक्शन घरों में लोगों ने लगा रखे हैं, अपने आप लगा लेते हैं, लेकिन सैंक्शनड नहीं है। तो जो अनसैंक्शनड, जिसको कहना चाहिए, ऐसे 6 लाख कनेक्शन ये लोगों ने ले रखे हैं। बहुत उसमें पेचीदगियाँ थी कि उनको रेगुलराइज कैसे किया जाए। हमने एक सरलीकरण करके थोड़ा पैसा लेकर और उसमें चार्जेस जो ज़्यादा थे उसको कम करके और रेगुलराइज करना शुरू किया है। अभी 1.5 महीने में 2 लाख से ज़्यादा कनेक्शन ये रेगुलराइज हो गए हैं 6 लाख में से, और काम लगातार जारी है। लेकिन इसमें हम 2022 तक सभी घरों में पीने का पानी, जैसे गैस सिलेंडर सभी घरों की रसोइयों तक हमने पहुँचाया है, इसी प्रकार हर परिवार की रसोई में पानी का कनेक्शन ये 2022 तक ये हम लोग पहुँचाएँगे, ऐसा हमारा योजना है। उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है, 2 लाख कनेक्शन रेगुलराइज कर दिए हैं।